फिगर पता चलेगा कि हमारी खपत कितनी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं किया है, ना प्रोडक्शन बढ़ाया गया है ना इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आप देखिए पीक प्लान में ऑलमोस्ट इतनी कैपेसिटी है फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने की, जबकि मेरे ख्याल से जो थोड़े बहुत बुरे हैं जो साहब ने देखा होगा कि अवेलेबिलिटी फर्टिलाइजर्स की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, दाम ऑलमोस्ट 3 गुने हो गए थे और मिल नहीं रहा। तो ये तो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है, दीज आर फैक्ट्स। मैंने बताया था कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कई बार फर्टिलाइजर बहुत स्मार्ट, इसमें देखिए कि बांग्लादेश ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना, हमारे समस्या ऐसी है सबका फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा है, सिर्फ श्रीलंका का और हमारा बराबरी पे चल रहा है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। ये नहीं है कि हम लोग फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा खपत कर रहे हैं कंपेयर टू जो हमारे साथ के देश है, तो प्रोडक्टिविटी हमारी बिना फर्टिलाइजर के नहीं, फर्टिलाइजर से मेरा मतलब न्यूट्रिएंट्स के बिना नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट, ये ग्राफ है जिसमें फूड प्रोडक्शन का एनपी के साथ के दिखाया है। इसमें लास्ट टू का मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 11-12 के लिखा है कि फॉस्फोरस और पोटेशियम खपत कम हो गई है, नाइट्रोजन की बढ़ी। नेक्स्ट, जैसे आप लोगों को मालूम मालूम है कि एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है 2010, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने यूरिया को उससे बाहर न्यूट्रिएंट बेस्ड, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का हमारा सीधा था कि जितना आपका नाइट्रोजन पे सब्सिडी फिक्स है फॉस्फोरस पे पोटेशियम फिक्स है, तो कोई भी आप फर्टिलाइजर लेंगे उतना उसमें उतना अगर नाइट्रोजन है तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी पर परसेंटेज है फॉस्फोरस पोटेशियम, लेकिन यूरिया को बाहर। अब हुआ क्या कि पिछले साल में जब पोटेशियम और फॉस्फोरस के दाम बढ़े तो किसानों ने नाइट्रोजन डाला, उनकी जगह नाइट्रोजन डाला, इसलिए पिछले कर्म में आपने देखा कि नाइट्रोजन की खपत तो बढ़ी है और फॉस्फोरस और वो इसमें एक्चुअल फिगर्स में रिफ्लेक्ट होता है जो 2010 के आधा सेकेंड लास्ट और लास्ट 2017। हालांकि मिलियन टन में सिर्फ एक और आप बाकी देखेंगे 2001 से हर बार बढ़ता जा रहा है और 2009-10 में भी आप देखें 4% की खपत में कमी आई, पोटेशियम में 24% कम फर्टिलाइजर का। नेक्स्ट, इसका सीधा नतीजा क्या होता है कि हम लोगों का एक ब्रॉड वैसे हालांकि बहुत साइंटिफिक तो नहीं है कि एनपीके का रेशियो आइडियल है 1:4:1 कहा जाता है, बहुत साइंटिफिक नहीं है लेकिन एक माना जाता है कि भाई ये इस रेशियो में होना चाहिए। तो जो लास्ट वाला हमारा रो है उसमें आप देखिए कि धीरे धीरे वो आ रहा था 4:4:1, लेकिन जब रेट्स बढ़े उसके फॉस्फोरस कैश बड़े अच्छे सारा इम्पोर्ट करते हैं, फॉस्फोरस भी इम्पोर्ट काफी करते हैं गेहूं वगैरह, उसका रेशियो जहां पिछले साल 4.7:2 था सीधा 6.5:2.9:1, तो मतलब इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ इवन द मेजर न्यूट्रिएंट्स अगेन इन सीरियस। ये पॉलिसी के साथ एक लिंक है, बटन मुझे मिट्टी को जरूरत है किसी और चीज की, हम डाल कुछ और, ये चीज जो है एनवायरमेंट में डिग्रेड होता है और साथ में हम प्रोडक्टिविटी। बांग्लादेश का एक उदाहरण है कि बांग्लादेश में भी जो 80% से ज्यादा धान में ही यूरिया लगता है। जब उन्होंने कहा कि सब्सिडी हम नहीं दे सकते तो क्या किया जाए, उन्होंने फिर एक डीप प्लेसमेंट टेक्निक शुरू की है। डीप प्लेसमेंट कोई नई टेक्निक है, वो बहुत बड़े से काम करते आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि यूरिया में सब्सिडी नहीं बढ़ा सकते तो ये रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की जिसमें कि वो 7 सेंटीमीटर नीचे फर्टिलाइजर यूरिया का। नेक्स्ट, इससे जो है कि उसका समराइज करता है कि इसमें 40% सेविंग हो गई यूरिया और 20% जो है उसमें यील्ड बढ़ गई, तो जो फार्मर को खर्चा जितना देना पड़ रहा था पहले उसी खर्चे में, क्योंकि तो जहां वो
250 किलोग्राम यूरिया डाल रहा था, भाव से 160 डाल रहा था। जो उसको कॉस्ट की वजह से जो यूरिया में खर्च करने पड़ते हैं उससे कम हो गए और उसकी एफिशिएंसी हो गई। अब इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IFBC, उन्होंने बड़े BFRC शुरू किया है, वर्चुअल फॉर बैकवर्ड रिसर्च सेंटर। वो लोग ऐसी प्रोजेक्ट्स अब फंड कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जब से ये फर्टिलाइजर 40-50 साल पहले जो इंडस्ट्री बनी है आज तो कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है, किसी ने कोई नई प्रोसेस नहीं निकाली, किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब देयर हैज बीन नो चेंज इन एनी टेक्नोलॉजी। सिर्फ वो एक गैस बेस्ड हो गया जिससे किसी प्रोडक्ट का कुछ। अब हम लोग ये देख रहे हैं किस तरह नए प्रोडक्ट्स आ सकते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उसमें हम लोग प्रोजेक्ट फंड करते हैं तो फिर किस तरह पड़े उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी टेक्नोलॉजी को बाकी फसलों में कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन हम जानते हैं नुकसान कम होता है, जैसे होता है इंडिया के इसमें वो डालते हैं उसकी अच्छा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज था कि जो ट्रांसप्लांटिंग के हफ्ते बाद दे देंगे उसके बाद फिर डालनी होगी एक ही बार, तो लेबर कॉस्ट बचेगी, अदरवाइज 3 स्प्रे हम लोग करते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस इसमें आते हैं। इस तरह की हम लोग टेक्नोलॉजी का ये एक उदाहरण है रियल लाइफ का जहाँ पे मजबूर होंगे एक टेक्नोलॉजी डालना इसी को हम लोग मैगनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मोटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी क्रॉप्स को भी अलग।